दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जी हां, आपको बताया चले कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी की समस्या को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बताया चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड कुछ चुनिंदा इलाकों में आ रही गंदे पानी की समस्या को जल्द खत्म करेगा। दिल्ली जल बोर्ड आधुनिक तकनीकी जैसे हीलियम गैस एवं अत्याधुनिक कैमरों का इस्तेमाल करेगा, साथ ही पाइपलाइन लीकेज के बारे में पता लगाकर उसका स्थायी समाधान करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को निर्देश दिए कि साफ और स्वच्छ पानी की सप्लाई देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर उनको इतनी दिक्कत है, अगर उनको लगता है ये मुफ्त खोरी है कि दिल्ली के जनता का पैसा है, कि ईमानदार सरकार दिल्ली की जनता पर ही खर्चती है, तो उनको अपनी 3 से 4 हजार यूनिट जो मुफ्त बिजली दिल्ली के टैक्स पेयर से मिलती है, जिस राजनिवास बंगले में वो रहते हैं मुफ्त में, जो मुफ्त की गाड़ी, जो मुफ्त का तेल, जो मुफ्त की बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल उनको दिल्ली के लोगों से मिलती है, जो घर में नौकर चाकर हैं उनके, वो दिल्ली की जनता के पैसों से उनको मिलते हैं, जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, पीए तक है, उनकी सैलरी भी दिल्ली की जनता देती है। अगर उनको इतना इस बात से दिक्कत है तो उनको सबसे पहले ये छोड़ देना चाहिए, ये सारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए जो उनको दिल्ली की जनता के लोगों के पैसे से मिल रही है, और दिल्ली भी छोड़ देनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार ने उनको इसलिए बिठा रखा है कि वो दिल्ली की जनता के पैसे से सुविधाएं भुगते और साथ में दिल्ली के लोगों का काम लगातार रोके? उन्होंने योगा क्लासेस रोक दी दिल्ली के लोगों की, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये तक रोक दिया दिल्ली के लोगों का। उन्होंने दिल्ली की जो टीचर्स एक्सपोजर के लिए ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रही थी वो तक रोक दी दिल्ली के लोगों की। तो क्या उनका काम सिर्फ ये है कि दिल्ली में बैठ के दिल्ली की जनता का काम रोकेंगे और दिल्ली के लोगों का ही अपमान करेंगे? उनको सार्वजनिक तौर पे इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और ये बयान को विड्रॉ करना चाहिए।